नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारी सीरीज यूपीएससी स्टोरीज में। आज मेरे साथ अंजनी कुमार सिंह जी हैं। अंजनी जी आईआरएस हैं, 2017 बैच के, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स हैं नोएडा कस्टम कमिश्नरेट में और आजकल पोस्टेड हैं आईसीडी दादरी में। अंजनी जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजनी जी। यूपीएससी की जो परीक्षा आया एक प्रोसेस है और एक यात्रा है जो हर व्यक्ति हर कैंडिडेट की एक अलग होती है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जब स्कूलिंग हो रही थी उस समय स्कूलिंग के दौरान या कभी वैसे आपके मन में आया था कि आप सिविल सर्विस की तरफ जाएंगे? स्कूल के दौरान तो ऐसा प्लान नहीं था कि सिविल सर्विस के लिए जाना है। दो ये पता था कि मतलब एक कैरियर ऑप्शन है जो कि काफी कुछ आपसे डिमांड करता है। स्कूल के समय तो शायद लगता था कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, वो रहता है ना कि क्लास टेंथ निकाल लिए, चलो सही से निकाल लिए तो सब सही हो जाएगा। फिर आता कि ट्वेल्थ निकाल लिया, सही हो जाएगा, किसी अच्छे कॉलेज में चले गए तो लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ सेट। तो इतना नहीं सोचा था स्कूल के समय, तो कभी भी ये नहीं प्लान था। मैं तो यही सोचता था कि बस इंजीनियर बन जाओ। अच्छा, तो ये प्लान नहीं था कभी। आपने इंजीनियरिंग कर ली, लाइफ सेट हो गई पैरामीटर्स के हिसाब से। उसके बाद आपने जॉब भी किया है इंडियन ऑयल में, फिर ये सिविल सर्विस का ख्याल कैसे आया? क्योंकि जनरली जब लाइफ सेट हो जाती है तो आदमी घर वाले सब थोड़ा सा और डायरेक्शन वाइज की शादी कर देते हैं, ये कर देते हैं, पूरा ही सेट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली करियर ऑप्शंस भी काफी सारे थे और आदमी को चूज तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। तो कॉलेज में जैसे बहुत सा या तो कोई बहुत ही फोकस रहता है जिसे पता रहता है कि उसे क्या करना है, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसा मेरे साथ नहीं था। तो मुझे लगता था कि बहुत सारे ऑप्शन हैं और किसी में भी जाया जा सकता है। तो फाइनली मतलब हर एक तरह से हर ऑप्शन को मैंने ट्राई किया, फिर मुझे लगा कि ये मतलब ज़्यादा लॉजिकल मुझे लग रहा है कि यहाँ जाना चाहिए। तो पहले मैंने जैसे MBA के लिए ट्राई किया, उसके पहले मास्टर्स के लिए भी सोचा कि केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स या PhD कर लूँ। तो इन दोनों ऑप्शंस को मतलब देखने के बाद, इवेल्युएट करने के बाद फाइनली मुझे लगा कि अपने देश में रहना है तो सिविल सर्वेंट बनना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और ये भी है कि अभी नहीं करेंगे तो कभी कर नहीं पाएंगे। एक एज थी उस समय कि उस समय अगर नहीं करते तो नहीं होता। और दूसरा ये था कि पेरेंट्स बहुत गाइडिंग फोर्स थे डिसीजन के पीछे, कि मैंने जैसे नौकरी छोड़ दिया था मैंने तैयारी के लिए, तो उनका पूरा सपोर्ट था। और फादर का एक चीज़ कहना था कि अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए या खुद के लिए तो तुम कोई ना कोई नौकरी कर ही सकते हो, एक तुम्हारा एक अभी उम्र है और तुम्हारे में कैपेबिलिटी है कि तुम चीज़ें कर सकते हो, तो तुमको सिविल सर्विस के लिए ट्राई करना चाहिए कि अगर निकल जाता है तो तुम और लोगों के लिए भी कुछ कर पाओगे। अदरवाइज हर जॉब में लोग अपने लिए तो करते ही। सही बात। नौकरी लगी हो वो भी मतलब एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप नौकरी कर रहे होते हैं उसको छोड़ना, घर वालों का सपोर्ट होता है और फिर सिविल सर्विस की तैयारी, और सिविल सर्विस की तैयारी करने में स्पेशली जब आप पहले से नहीं सोच रहे होते तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। तो अगर मैं पूछूं कि जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो आपका एक्सपीरियंस क्या था उसको लेके? तो फर्स्ट अटेम्प्ट ये था कि प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयारी हो गई थी। मैं नवंबर में आया था, यहाँ मेरे ख्याल से डेट था 1 नवंबर 2012, उस दिन मैं यहाँ दिल्ली आया था। फिर उसी दिन से तैयारी चालू की एक तरह से, मई या 26 मई ऐसा कुछ डेट था जिस दिन प्रीलिम्स था। तो इतने समय में प्रीलिम्स पे फोकस करके तैयारी की प्रीलिम्स, जब प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आ गए तो लगा कि मतलब खुद से लगा कि अच्छा मैं मतलब निकल भी सकता है एक बार, नहीं तो उसके पहले ऐसा लगता था जैसे निकल ही नहीं सकता, बस तैयारी करने आ गए। मेंस के लिए समय बहुत मिला था, पैटर्न उस साल चेंज हो गया। पहले दो ऑप्शंस हुआ करते थे तो उस साल एक ऑप्शनल हो गया। जनरल स्टडीज के 4 पेपर हो गए मेंस में, कैसा पेपर आएगा क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता था। तो
वो मेंस वाला जो पीरियड था वो मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब ये जरूर है कि आप कैसा भी एग्जाम देंगे तो आपको हमेशा, मतलब वही जो मैं बोल रहा था कि आदमी सेल्फिश होता है, उसको हमेशा लगता है कि वही सबसे अच्छा तैयारी किया है और उसी का होना चाहिए था, किसी और का ना हो, मेरा ही हो। तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन वो आप खुद से अगर खुद के से ऑनेस्ट रहेंगे, खुद से अगर सवाल करेंगे रादर देन कि कोई और आपसे पूछे, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि एक किस्मत तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस जगह पे, लेकिन किस्मत तब आता है जब आप उसके लिए हार्डवर्क कर चुके होते हैं, तब वो किस्मत का रोल आता है, जो कि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस एग्जाम में। लेकिन मैं वो हार्डवर्क वाले, जो मेरा खुद का कर्म था वो कम था, तो बुरा लगा नहीं हुआ तो। जैसे मेंस लिखा था, मेंस मेरे ख्याल से 65 या 66 मार्क्स से मेरा मेंस का कट ऑफ रह गया था, जो कि बहुत बड़ा गैप है। तो ये था कि उस समय तो बहुत बुरा लगा कि अरे नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं होने के कारण थे, शायद मैं ही नहीं देख पा रहा था उस समय, तो फिर आगे लगे। जब आपने सब बहुत ऑनेस्ट कन्फेक्शन है कि मेरे को अपने अंदर कमी लगी और मैंने उसको गलती को ढूंढा और फिर तैयारी की, जब सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो पहले के मुकाबले बेहतर तैयारी की कि आपने किया होगा, उसमें क्या रहा? सेकंड अटेम्प्ट जब दिया तो बहुत सारी चीजें चेंज की, जैसे हैंडराइटिंग मेरी अच्छी नहीं थी आज से नहीं, शुरू से, तो एक तरह से मैंने अपनी हैंडराइटिंग ही चेंज कर ली एग्जाम के चक्कर में। आप ये समझ लीजिए कि ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब ऑब्जेक्टिव शायद केवल प्रीलिम्स तक ही ऑब्जेक्टिविटी है, वो भी पेपर बहुत चेंज होता रहता है और कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं जो शायद आप कहीं दोस्तों के साथ घूमने गए हैं, अननोइंगली आपको बस पता है कि यार यहाँ पे ये जगह है, और वो पता चला, वो सवाल आ गया आपके पास, तो आपको लगेगा कि आपका घूमना सार्थक हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट जब दे रहा था तो मुझे, जैसे मेरे एक फ्रेंड था, उसने बोला कि यार हैंडराइटिंग तुम सुधारो। तो जब ये पहले वो मुझे बोलता था तो मुझे लगता था यार ये मुझे कैसे बता रहा है कि हैंडराइटिंग इतनी खराब हैंडराइटिंग है क्या, मतलब एक होता ना कि आप एक्सेप्टेंस नहीं आता है। तो फिर बाद में मुझे वही प्रिपरेशन के दौरान ही रियलाइज हुआ कि अगर मैं, मतलब आपको हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, आप मतलब कोई भी पेपर लिखते हैं तो लगभग 40-50 पन्ने आपको लिखने हैं 3 घंटे में, और वो आप खुद ऐसे सोचिए कि अगर आप इनविजिलेटर हैं, मतलब आप एग्जामिन कर रहे हैं और किसी का कॉपी चेक कर रहे हैं, तो आपको वो कॉपी कैसी पसंद आएगी। तो मेरे ख्याल से जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ज़्यादा कटिंग ना हो, आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो, मतलब आप जो आपने लिखा है वो सामने वाले को समझ में आ जाए, पढ़ने में उसको स्ट्रेन ना पड़े, मतलब जितना सिंपल सी बात है कि जितने आसानी से वो पन्ने पलट लेगा और जो आप कहना चाह रहे हैं वो समझ लेगा, वही आपको उसी चीज में मास्टरी करनी है। तो ये सब मैंने किया। तो ये सब करने के बाद मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में जरूर लगा कि अब हो जाना चाहिए, कि अब मेरे ख्याल से मैंने कर लिया है। तो वो जो हार्ड वर्क वाला जो मैं बोल रहा था, वो मुझे लगा कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में वो वाला लेवल अचीव कर लिया, लेकिन फिर वही कि सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। अच्छा। मतलब उस बार ये था कि गैप कम हो गया, जो मैं 66 बता रहा था वो शायद 10 या 11 नंबर से रह गया था। अच्छा अंजनी जी, तीसरी बार में जानने से पहले मैं एक चीज समझना चाहूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, चलो पहला था, सेकंड अटेम्प्ट नहीं, आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, कुछ शायद प्रेशर भी आने लगता है, कुछ अपनी तरफ से, कुछ परिवार से, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा यू नो मेंटली वो होने लग जाते हैं। उस समय अपने को संभालना कितना जरूरी होता है, कैसे आपने अपने को संभाला? क्योंकि आसान नहीं है, देखिए पूरा एक साल का पहिया दोबारा घूमेगा। आसान तो नहीं है क्योंकि पूरा एग्जाम का प्रोसेस ही साल भर का है, मतलब अगर आप हर स्टेज में मान लीजिए पहुंच रहे हैं कि प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस लिखे, फिर इंटरव्यू तक पहुंचे, तो ये करते करते ही साल निकल जाता है। तो जैसे सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ तो मेरे साथ शायद सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे मतलब फैमिली तो मेरे साथ थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता था कि
गया है तो मतलब जैसे ये वाला प्रेशर नहीं था कि नहीं निकल रहा है, एक होता है ना कि तुम पढ़ नहीं रहे हो इसलिए नहीं निकलता होगा, हाँ ये वाली चीज नहीं थी। दो पेरेंट्स हैं तो वो जरूर आपको बोलेंगे कि और पढ़ना चाहिए, तो यही मतलब ये चीज भी समझना चाहिए कि उनका काम है ये बोलना, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, बस है कि वो नहीं ये नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो इस टाइप का कोई प्रेशर घर से कभी था नहीं, उनको भी पता था कि चलो कर रहा है, पिछले बार से इस बार बेटर किया। फिर मेरा यहाँ पे फ्रेंड सर्कल बहुत स्ट्रांग था कि मैं जिस गली में रहता था उस गली में मैं आया ही इसलिए रहने था कि मैं दो घर छोड़ करके वहां पे लोग थे जो और प्रिपरेशन कर रहे थे, और सेकंड रिटर्न में मेरे ख्याल से सारे, जब सेकंड रिटर्न मैंने दिया था सबका सिलेक्शन हो गया था जो भी मेरे अच्छा, सर्कल में जो था। भी हाँ फ्रेंड्स थे जो सब साथ तो रहे थे मैं ही कर रहे इकलौता थे। था जो बच गया था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो था, वो एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग वो था, मेरा एक बहुत बड़ा सपोर्ट था उनका। दूसरा ये कि सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मैंने ये चालू कर दिया था जिम वगैरह जाना, कि एक बोलते ना कि हेल्दी स्ट्रेस माइंड माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, वो बैठे बैठे आपका इतना सिटिंग आवर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि नहीं चाहते हुए भी आपको आपका होएगा। मतलब बॉडी उसको वो नहीं करता है। और ये होता है कि आप जैसे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस निकलता रहता है जो अदरवाइज एक्यूमुलेट होता जाता है, वो मैंने चालू किया। फिर मैंने ये सोचा कि चलो इस बार बैड लक था कि नहीं हुआ, तीसरी बार में देखते हैं, तीसरी बार में जो कर रहे हैं यही करते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बात है कि जब आप सब कुछ छोड़ के आ जाते हो तो आपके दोनों पास कोई चीजें हैं, ऑप्शन नहीं हाँ है, दोनों और चीजें हैं, अगर आप अच्छी चीजें छोड़ के आते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आपको अनड्यू प्रेशर में भी डालते हो, लेकिन दूसरा ये हो जाता है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता है तो आपको लगता है कि अब क्या, तो यही करना है। अच्छा अन्नी जी एक चीज बताएं, आपने कोचिंग भी ली थी, कोचिंग कर रहे हाँ थे? कोचिंग मैंने की थी, मैं जैसे मैं आपको बताया कि मुझे कुछ भी नहीं पता था प्रिपरेशन के बारे में, इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि तभी दो सब्जेक्ट लेना होता था। तो मेरे साथ ही एक मतलब इंडियन ऑयल में ही एक फ्रेंड थे, मतलब ऐसे तो मेरे 1 साल सीनियर थे वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी ले रहे हैं, इससे बहुत सिलेक्शन हो रहा है, कि कुछ किताबें पढ़ के देखो, जो लगता है वो सब्जेक्ट तुम ले लेना। तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी तो मुझे लगा कि यार ज्योग्राफी थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं कि बीइंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, और स्कूल के लेवल से भी मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता था, तो ज्योग्राफी ले लिया। अब दूसरा कोई सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा था तो मैंने उस पर रिलाई किया कि ये भी अपने बारे में सोच रहे हैं कि इनको भी एग्जाम देना है, बाद में वो सिलेक्ट हुए, IAS बने, तो ये खुद भी सोच रहे हैं, तो अपने बारे में तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, तो इनका जो इनकी कह रहा जो है वो सोच है उसको मैं गलत फॉलो कर लेता हूँ, तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। अब ये था कि दोनों सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी से तो फिर भी थोड़ा जानकारी थी कि सब समझते हैं कि हाँ ये सीजन्स होते हैं तो ये दिन होता है रात होता है, ये सब चीज़ें तो आदमी को पता ही रहती हैं, थोड़ा आदमी रिलेट कर लेता है, लेकिन एग्जाम के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन अलग करनी प्रिपरेशन पड़ेगी। चाहिए और एक एक डायरेक्शन चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ आपको समय देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए। मान लीजिए 10 चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो हो सकता है कि वो 6 चीजें ही उसमें हो जो कि बहुत अच्छे से आपको आएगा, तो आपको 10 चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सब चीजों के लिए, और एक कैसे लिखना चाहिए क्या करना है आपको, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग की जरूरत है, तो मैंने वही सब्जेक्ट्स की कोचिंग ली थी। जनरल स्टडीज की मैंने कभी कोचिंग ली नहीं, सब्जेक्ट्स की कोचिंग ली, ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। थर्ड अटैम्प्ट जब आया तो आपका उसमें फॉरेस्ट सर्विस से तभी आपने अप्लाई किया था उसमें, तो फॉरेस्ट सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया, थर्ड अटैम्प्ट में क्या रहा थोड़ा सा बताएं। थर्ड अटेम्प्ट तक मुझे लगता है कि मैं तैयार तो था, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ठीक ठाक समझ में आ गया था कि एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, क्या क्या करना होता है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, और शायद उसी के वजह से मेरा फॉरेस्ट में हुआ भी। उस मैं फॉरेस्ट अप्लाई तो करता था, एग्ज़ाम देने नहीं जाता था, अच्छा मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में दी अप्लाई किया बट था गए नहीं थे। बट गया नहीं था, क्योंकि कोई प्रिपरेशन ही नहीं थी। तो फॉरेस्ट सर्विस की भी एक अलग ही यात्रा है, मतलब उसमें दो नए सब्जेक्ट लिए मैंने, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, वहाँ पे जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री पढ़ा, और वहाँ मैंने काफ़ी स्मार्ट वर्क किया, जो बहुत सारे सिलेक्टेड लोग बोलते हैं कि आप हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, तो वहाँ एक्चुअली मैंने स्मार्ट वर्क किया और उसका रिजल्ट मुझे साफ साफ दिखा। और
ये था कि फॉरेस्ट का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद मेरे ख्याल से सिविल सर्विस का रिजल्ट आया था। फॉरेस्ट का मेंस कुछ 20-21 दिन पहले था सिविल सर्विस के मेंस से। तो जब उसमें सिलेक्शन हो गया तो लगा कि अब जब यहाँ हो गया है और सब जगह अच्छे नंबर आए हैं, मतलब जैसे प्रीलिम्स में फॉरेस्ट का कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो प्रीलिम्स अच्छे से निकला, फिर मेंस में दो नए सब्जेक्ट लिए, उसमें भी जनरल स्टडीज रहता है, दो एक ही पेपर होता है, फिर दो सब्जेक्ट के पेपर भी थे, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। जियोलॉजी फॉरेस्ट्री लेने का रीज़न बस ये था कि जियोलॉजी थोड़ा ज्योग्राफी से मिलता जुलता था, ऐसे अंतर बहुत है, और फॉरेस्ट्री है कि ज्योग्राफी में जैसे एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ना रहता था, तो एक था कि फॉरेस्ट्री ऐसा सेफ ऑप्शनल है, सब लेते हैं, तो चलो सब ले रहे हैं तो सब एक ही टाइप का लिखेंगे, सबकी मार्किंग भी एक ही टाइप की होगी तो ले लो। तो जब सब जगह मार्क्स सही आए, इंटरव्यू में भी बहुत हाई स्कोर था मेरा, तो मुझे लगा कि अब सब सेट है, अब इसके बाद तो कोई रीज़न ही नहीं है कि अब नहीं होगा। तो उस साल मैं बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा होपफुल था कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए। लेकिन उस साल मैंने इंटरव्यू भी दिया, सिविल सर्विस का इंटरव्यू उस साल दिया, मेंस भी क्लियर हुआ, लेकिन उस साल ज्योग्राफी में मार्क्स मेरे कम थे और इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए कि वो ज्योग्राफी के मार्क्स को बैलेंस कर लेता, तो फाइनली उस साल भी हुआ नहीं। तो वो काफ़ी मतलब हार्ट ब्रेकिंग टाइप का ही हो गया था कि यार अब क्या करें, अब तो सब कुछ कर लिया मैंने, अब बचा क्या है। बट उस समय आपका फॉरेस्ट सर्विस वाला तो हो गया था, यूपीएससी की लिस्ट में एक बार तो नाम आ गया था, थोड़ी तसल्ली हो गई थी। अब जब फिर मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक बार आईएफएस हो गया तो ठीक है अब तो यार चलो कर लेते हैं, फिर भी आपने नेक्स्ट एक अटेम्प्ट और दिया। हाँ, एक अटेम्प्ट और दिया और उसमें क्रैक कर लिया। हाँ, उसमें क्रैक कर लिया, उसमें सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया फाइनली, उसी साल फिर आईआरएस बना, आईआरएस कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सभी बोलते थे, तो उसमें फिर ज्वाइन किया मैंने। आपकी यात्रा में 1, 2, 3 फेलियर्स रहे, 3 फेलियर्स मतलब 3 साल और 1 साल आपके तैयारी का, 4 साल। बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्षेत्र में तैयारी करते हैं, मैं ये नहीं कहता सिर्फ सिविल सर्विस की करते हैं, कोई स्पोर्ट्स में होता है, कोई और परीक्षाएं दे रहा होता है, फेलियर से कई बार टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ संदेश देना चाहेंगे? सक्सेस और फेलियर जो है वो किसी भी चीज में, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगी। कुछ चीजों में आपको लगेगा कि आप सफल हुए, कुछ चीज़ों में आपको लगेगा आप असफल हुए, तो सिविल सर्विस में भी यही है और इन जनरल आपके लाइफ में यह होता रहेगा। इसको केवल सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है कि आपको अपने मेहनत पे भरोसा होना चाहिए और आपको खुद पे के एफर्ट्स में ऑनेस्टी आपको दिखनी चाहिए कि आप खुद से ऑनेस्ट रहो, कि अगर आप अपने से सवाल पूछ रहे हो कि यार मैंने तैयारी सही की थी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, तो आप खुद से तो झूठ नहीं बोल पाओगे, खुद को तो आप खुद से अपनी चीज़ें कैसे छुपा सकते हो। तो वो मैंने फॉलो किया था, तो मेरा यही संदेश है कि इतना बहुत हार्श नहीं होना चाहिए खुद पे, अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का रिटर्न आपको मिलता है, एग्ज़ाम में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी मिले तो आज के युग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आप यहाँ पे अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे से सब कुछ करते हैं, तो आपको जीवन में ये चीज़ कभी भी आपका एक हिंड्रेंस नहीं होगा, आपको चीज़ों में आगे ही बढ़ने में हेल्प करेगा। आपने बिल्कुल सही बात बोली, एक्चुअली जब भी कोई चीज़ आप बड़ी मेहनत के साथ करते हैं और उसको ईमानदारी के साथ करते हैं कि आप समझते हैं, अपने को एनालाइज करते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, उसको सुधारते हैं, तो ये बात तय है कि आपको सफलता मिले या ना मिले, आप एक इंसान बेहतर बन जाते हैं और नॉलेजेबल बनते हैं, और वो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, ये बात पक्का है, चाहे रिजल्ट आपके इच्छा के अनुसार हो या ना हो। सोनी जी, आपने बहुत ही दिल से, मैं कहूँगा, हमसे बात किया है, एंड ये पूरे जो कन्वर्सेशन है मेरे ख्याल से जो भी लोग सुनेंगे उनको बहुत मोटिवेट करेगी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को हैंडल करने में। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, स्टूडियो में समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बुलाया, और आपने उतना कम्फर्टेबल चीज़ें रखी कि मैं अपने मन से मुझे जो बोलना था मैं आपसे शेयर कर पाया। धन्यवाद धन्यवाद। सो व्यूअर्स, इस तरह की और भी
लोगों से हम आपको, अधिकारियों से हम आपको मिलाते रहेंगे जिन्होंने की सिविल सर्विस परीक्षा पास की है, उनके अनुभव जानते रहेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका।